बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो केमिकल इंडस्ट्री है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। यहाँ हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि सीमेंट वर्ल्ड क्या है और सीमेंट को फिर हम सीमेंट इंडस्ट्री के लिंक में हम देखेंगे और इसके हम रॉ मटेरियल देखेंगे, रॉ मटेरियल की जो है सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिर रॉ मटेरियल की कंपोजिशन और फिर देन वी विल सी दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और इसके फिर मुख्तलिफ पैरामीटर इन डिटेल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो सीमेंट, व्हाट इज द सीमेंट, फर्स्ट वी सी कि सीमेंट है क्या चीज़, वर्ल्ड सीमेंट क्या चीज़ है। सीमेंट्स मीन एडहिसिव सब्सटेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स। जितने भी एडहिसिव सब्सटेंसेस हैं उनको हम सीमेंट का नाम देते हैं। बट इन नैरो सेंस द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। और हम इसको नैरो सेंस में अगर हम देखें तो उस मटेरियल को हम नाम सीमेंट देते हैं जो हम बाइंडिंग मटेरियल को जो बिल्डिंग में हम यूज करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। सीमेंट ऑफ दिस काइंड्स आर फाइनली ग्राउंड पाउडर्स जो हम बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जहां हम यूज कर रहे हैं, इस सीमेंट की बात करें, सीमेंट दिस इज अ फाइनली ग्राउंड पाउडर एंड दिस सेट टू अ हार्ड मैस व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर। जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हमें एक हार्ड मटेरियल मिलता है, हार्ड मैस मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कि जी सीट, दिस इज अ सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, उसको बोलेंगे। सो सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, दिस इज अकर्ड ड्यू टू द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, जब पानी को मिक्स करते हैं सीमेंट के साथ तो हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। एक्चुअली इस हाइड्रेशन के अंदर मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो रहे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। सो ड्यू टू केमिकल कम्बिनेशन ऑफ द सीमेंट कंपोनेंट्स विद वाटर, वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होगा, तो इसके केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल मिलेंगे, या हम इसको कहें कि आ जेल लाइक मटेरियल, और जिसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसके रिजल्ट के तौर पर माइक्रोस्कोपिक जो क्रिस्टल बनते हैं या जेली लाइक मटेरियल जो बनता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस इज बिकम वेरी हार्ड मटेरियल। कंस्ट्रक्शनल सीमेंट्स, जो कंस्ट्रक्शनल सीमेंट है इनको हम हाइड्रोलिक सीमेंट्स का भी नाम देते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज विच इज इवनली सेट एंड हार्डन विद वाटर। जैसे ही हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, इट बिकम वेरी हार्ड मटेरियल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज, यानी कि जितनी सीमेंट्स हैं इनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट सीमेंट है, दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट। जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसका ओरिजिन देते हैं, ओरिजिन हाइड्रोलिक सीमेंट्स गोज बैक टू एंशियंट ग्रीस एंड रोम। जो वर्ल्ड है हाइड्रोलिक सीमेंट्स का, इसका जो ओरिजिन है, इट इज मूव टूवर्ड ग्रीस एंड रोम की तरफ इसका ओरिजिन इसका हमें मिलता है। द मटेरियल यूज्ड वर लाइम एंड अ वोल्केनिक एश दैट स्लोली रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म अ हार्ड मैस। जो ग्रीस और रोम में मटेरियल यूज करते थे सीमेंट मटेरियल, एक्चुअली उसका जो सोर्स था वो लाइम था, और लाइम और वोल्केनिक ऐश इनको मिक्स करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जो कि हमें हार्ड मटेरियल देता था। दिस फॉर्म्ड द सीमेंटिंग मटेरियल ऑफ द रोमन मोर्टर्स एंड कंक्रीट
of more than 2000 years ago. And subsequent construction work in Western Europe. यानी कि 2000 years पहले की बात है और ये सीमेंट बनाई गई और इनको मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन वेस्टर्न यूरोप में मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के पर्पज में भी यूज करते रहे। डिटेल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट इज अ सक्सेसर टू अ हाइड्रोलिक लाइम दैट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जॉन समीटन इन 1756। इसने हाइड्रोलिक लाइम जो प्रोड्यूस किया इन 1756 में। द नेक्स्ट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस अबाउट 1800 इन इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड वाज अ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग नोड्यूल्स ऑफ क्ले लाइमस्टोन। यानी कि पहला जो स्टेप था वो 1756 में जॉन समीटन ने जो हाइड्रोलिक लाइम की टर्म में सीमेंट को प्रोड्यूस किया और इसके बाद 18 ईयर्स में इन 1800 इंग्लैंड और फ्रांस ने मटेरियल बनाया सीमेंट से रिलेटेड और उन्होंने क्ले लाइमस्टोन जिसमें कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मिक्सचर इसमें मौजूद होता है इससे उन्होंने सीमेंट को डेवलप किया। इसके बाद सून आफ्टर वर्ल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट अ सिमिलर मटेरियल वाज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कॉल्ड सीमेंट रॉक। यूनाइटेड स्टेट में भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसको नाम देते हैं सीमेंट रॉक का उससे भी मजीद बाइंडिंग मटीरियल सीमेंट मटीरियल को प्रोड्यूस किया। These materials belong to a class known as natural cement. इसका नाम दिया गया। ये जो natural cement थी similar to Portland cement, ये Portland cement से मिलती जुलती थी but more lightly burned and not of a controlled composition. इसको heat कम देनी पड़ती थी एक और दूसरी बात ये कि जो composition थी main वो control में नहीं थी। The invention of Portland cement. अब Portland cement की invention की तरफ। This is first Portland cement is recognized by Joseph Espedon of Leeds, England से belong है इनका और इन्होंने Portland cement को invent किया in 1824 में और इन्होंने एक पेटेंट भी पब्लिश किया। यानी कि जो न्यू काम हो उसको पब्लिश करें तो उसको पेटेंट का नाम भी देते हैं मीन पेटेंट में इसको इसका पेटेंट पब्लिश किया फॉर अ मटेरियल दैट वाज अ प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंथेटिक मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले। इन्होंने लाइमस्टोन से और क्ले से पोर्टलैंड सीमेंट को बनाया। ही कॉल्ड द प्रोडक्ट पोर्टलैंड सीमेंट। उन्होंने इसको इस जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया लाइमस्टोन से और क्ले से और इसको उन्होंने नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट का बिकॉज ऑफ फिनसाइड रिजिम्बलेंस ऑफ द मटीरियल व्हेन सेट टू अ स्टोन यूज्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ पोर्टलैंड इन इंग्लैंड। इसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम इसलिए इसने दिया क्योंकि इमेजिनरी तौर पर इसकी जो रिजेंबलेंस थी वो उस मटेरियल से मिलती थी उस स्टोन से मिलती जुलती थी जो स्टोन जो है बिल्डिंग में यूज़ किया गया पोर्टलैंड में यानी इंग्लैंड के अंदर पोर्टलैंड के एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जो स्टोन यूज़ किया गया उससे इसकी शक्ल शेप जो है रिजेंबलेंस जो है वो इमेजिनरी तौर पर मिलती जुलती थी। उन्होंने इमेजिन किया कि उसकी शक्ल उसे मिलती है बट द रियल प्रोटोटाइप जो रियल जो मॉडल आया पोर्टलैंड सीमेंट का वॉज प्रोड्यूस बाय एरिक चार्लिस जॉनसन इन साउथ एस्टर्न इंग्लैंड अबाउट 1850 में एक्चुअली जो है जो रियल प्रोटोटाइप जो था पोर्टलैंड सीमेंट का वो
1850 में एरिक चार्ल्स जॉनसन ने इंट्रोड्यूस करवाए। द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्ट एंड सीमेंट रैपिडली स्प्रेड, और ये जो सीमेंट की जो प्रोडक्शन है ये फिर फैली दुनिया में टू अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द 20th century। सीमेंट मैन्युफैक्चर स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया में 20वीं सेंचुरी में सीमेंट की प्रोडक्शन डेवलपमेंट पूरी दुनिया में फैल गई। नेक्स्ट वी सी द रॉ मटेरियल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट कंसिस्ट ऑफ लाइम मिक्स्ड विद सिलिका एंड एलुमिना। तो हम कह सकते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट हैं जो पोर्टलैंड सीमेंट के, वो कंपाउंड ऑफ लाइम है सच एज कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको मिक्स करते हुए सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एलुमिना इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की शक्ल में। तो सो मेन कंपोनेंट आर कंपाउंड ऑफ लाइम सिलिका एंड एलुमिना। The lime, ये जो lime है raw material, इसको कहाँ से obtain करते हैं इसको हम देखते हैं इनका source क्या है। The lime is obtained from a calcareous raw material. Calcareous raw material वो होता है जिसके अंदर lime मौजूद होता है, lime. And the other oxides are derived from argillaceous, यानी कि clay materials. तो so जो मेजर कंपोनेंट हो गए पोर्टलैंड सीमेंट के, एक हुआ कैलकेरियस और दूसरा हुआ आर्जिलेसियस। कैलकेरियस रिलेटेड टू लाइम एंड आर्जिलेसियस रिलेटेड टू क्ले मटेरियल। और इसके अलावा एडिशनल जो है कंपोनेंट और भी यूज करते हैं। एडिशनल रॉ मटेरियल्स सच एज सिलिका आयरन ऑक्साइड बॉक्साइट मे बी यूज इन समालर क्वान्टिटी टू गेट द डिजायर्ड कंपोजिशन, इनको भी समालर क्वान्टिटी में यूज कर सकते हैं। द कॉमन सोर्स ऑफ कैलकेरियस रॉ मटीरियल्स, कैलकेरियस रॉ मटीरियल की जो बात कर रहे थे कि कैलकेरियस मटीरियल एक्चुअली क्या है और इसका मेन सोर्स क्या है इसको हम अब फोकस करते हैं। द कॉमन जो सोर्स है ऑफ कैलकेरियस रॉ मटेरियल दिस इज द लाइमस्टोन, चॉक, कोरल और शेल, दीज आर द बेसिक सोर्सेज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कैलकेरियस रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस पोर्टलैंड सीमेंट। और दूसरा जो कंबिनेशन है दैट इज द आर्जिलेसियस। द कॉमन सोर्स ऑफ आर्जिलेसियस रॉ मटीरियल्स इज क्ले, क्ले मट्टी जैसे चिकनी मट्टी बोलते हैं, शेल्स, स्लेट्स एंड एस्टोराइन्स मड्स वगैरह, एस्टोराइन मड्स वगैरह, दीज आर दी सोर्सेस फॉर आर्जिलेसियस रॉ मटीरियल दैट विल बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसके अलावा मरल और सीमेंट रॉक जो है ना, ये कंपोनेंट हैं, ये जो ये दो, इन दो की बात कर रहे हैं, मरल एंड सीमेंट रॉक, दीज आर सच सब्सटेंसेस दैट कंटेन बोथ कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस कंपोनेंट इन प्रोपोर्शन दैट समटाइम्स अप्रोक्सीमेट सीमेंट कंपोजिशन। यानी कि ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट मौजूद होते हैं, आर्जिलेसियस भी और कैलकेरियस भी। एनदर रॉ मटेरियल इज द ब्लास्ट फर्नेस स्लैज, जो हम इंडस्ट्री में जब मटेरियल को हीट अप करते हैं बड़े बड़े कढ़ा के अंदर, फर्नेस के अंदर, तो स्लैज प्रोड्यूस होता है जिसको झाग, वो भी रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। ब्लास्ट फर्नेस स्लैज विच कंसिस्ट
मेनली ऑफ लाइम, इसके अंदर लाइम होता है, सलीका होता है और एलुमिना होता है. कायोलिन इज अ वाइट क्ले दैट कंटेन लिटल आयरन ऑक्साइड. लिटल आयरन ऑक्साइड इसके अंदर, लिटल आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है इसके अंदर, कायोलिन के अंदर, और इसको हम वाइट क्ले भी कहते हैं. एंड एक्चुअली दिस इज यूज्ड एज द आर्जिलेसियस कंपोनेंट फॉर वाइट पोर्टलैंड सीमेंट. सीमेंट की भी टाइप्स हैं, आप उनकी स्टडी करेंगे तो उसमें भी एक जो टाइप है वो है वाइट पोर्टलैंड सीमेंट. इसकी प्रोडक्शन में जो आर्जिलेसियस मटेरियल के तौर पर यूज होता है दैट इज अ कायोलिन. इंडस्ट्रियल वेस्ट्स सच एज फ्लाई एश एंड कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज से ये इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ हम फ्लाई ऐश देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है. दे आर आल्सो आर दी अदर पॉसिबल रॉ मटेरियल्स, ये भी रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं, बट दे आर यूज इन समाल कंपेयर टू विद दैट ऑफ द नेचुरल मटीरियल्स. इनका जो यूज़ है वो नेचुरल मटीरियल के मुकाबले में कम है. एन अदर इसेंशियल रॉ मटीरियल इज जिप्सम. जिप्सम भी रॉ मटीरियल यूज होता है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो है सेटिंग ऑफ सीमेंट. तो अप टू 5% जो है जिप्सम ऐड किया जा सकता है जब हम जो हमें मटीरियल मिलता है सीमेंट का, जिसको हम क्लिंकर बोलते हैं. ये हम देखेंगे इसकी कि क्लिंकर की फॉर्मेशन. तो क्लिंकर के साथ 5% जिप्सम को भी साथ ग्राइंड करते हैं और इस तरह जो हमें पाउडर सीमेंट मिलेगी. और दिस 5% जिप्सम एक्चुअली कंट्रोल दी सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, के कितनी देर में सीमेंट जब वो हार्ड होगी. और एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि सेटिंग ऑफ सीमेंट में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं. पोर्टलैंड सीमेंट आल्सो कैन बी मेड इन अ कंबाइंड प्रोसेस विद सल्फ्यूरिक एसिड. जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है वहाँ कुछ मटेरियल ऐसे भी बनते हैं जिनको सीमेंट के प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं, विद सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम एनहाइड्राइड इन प्लेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. द सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द फ्लू गैसेस ऑन बर्निंग इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड बाय नॉर्मल प्रोसेस. और इस दौरान जब हम इसको बर्न कर रहे होते हैं कैल्शियम सल्फेट को, तो सल्फर मिलता है हमें, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में ले जाते हैं. एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनका प्रोसेस कैसे करते हैं. रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर एक्सट्रैक्टेड बाय कोरिंग मीन माइनिंग. इन द केस ऑफ हार्ड रॉक्स सच एज लाइमस्टोन्स, स्लेट्स एंड सम शेल्स. यानी कि ये रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन या सिलेट्स वगैरह या शेल्स, तो इनकी एक्सट्रैक्शन में माइनिंग करनी पड़ती है. तो ये हार्ड रॉक मटेरियल्स हैं, इनकी हार्ड रॉक से जब इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वी नीड माइनिंग. सम डिपॉजिट्स आर माइंड बाय अंडरग्राउंड मेथड्स. अंडरग्राउंड खुदाई करने से हमें ये रॉ मटेरियल मिलेगा और इसको नेक्स्ट हम प्योरिफिकेशन के बाद सीमेंट की तरफ सीमेंट के प्रोडक्शन में ले आएंगे. इसी तरह कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो सॉफ्टर होती हैं. सॉफ्टर रॉक्स सच एज चॉक एंड क्ले कैन बी डग डायरेक्टली बाय डिगर्स. जो डिगर्स हैं इसको, ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, इनको आसानी से इसको डिगिंग करके इसको एज अ रॉ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में यूज कर सकते हैं. द एक्सकेवेटेड या माइंड मटीरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द क्रशिंग प्लांट बाय ट्रक्स
रेलवे फ्राइट कैरेज कार्स कन्वेनियर बेल्ट्स और रोपवेज। अब जो रॉ मटेरियल हमने इसको डिग किया है, माइंड किया है, ब्रेक किया है, इसको हमने ले जाना है क्रशर की तरफ, जिस क्रशर प्लांट की तरफ, तो इसको मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम वहाँ ले जाते हैं। दे आल्सो कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अ वेट स्टेट और सलरी बाय पाइपलाइन। और अगर रॉ मटेरियल हमारे पास सॉफ्ट है और उसको या बाय द हेल्प ऑफ वाटर उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वेट स्टेट या सलरी। इसको फिर पाइपलाइन के थ्रू भी हम सेंड कर सकते हैं टुवर्ड द सीमेंट प्लांट। इन रीजन वेयर लाइमस्टोन्स ऑफ सफिशेंटली हाई लाइम कंटेंट आर नॉट अवेलेबल, ऐसे भी रीजन जहां हमारी इंडस्ट्री है और वहां का जो रॉ मटेरियल जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लाइमस्टोन और उसके अंदर जो लाइम कंटेंट है वो कम है, देन सम प्रोसेस ऑफ बेनिफिकेशन कैन बी यूज। कुछ ऐसे बेनिफिट ऐसे प्रोसेस यूज करते हैं जो इस कंटेंट को लाइम कंटेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, दिस फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड विल रिमूव एक्सेस सिलिका और एलुमिना एंड सो अपग्रेड द लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन की जो है उसके अंदर लाइम की कंटेंट को बढ़ा देगा। मीन बढ़ने का मतलब यह है कि उससे हमने सलीका और एलुमिना को रिमूव किया, बट इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस एंड इज यूज्ड ओनली व्हेन कंपल्सरी। तो इसको तब हम यूज़ करते हैं जब मजबूरी हो और हर हाल में इसको यूज़ करना है, फिर इस कॉस्टली मेथड को यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से प्रोसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वी सी दी स्टेजेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। देयर आर फोर स्टेजेस इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। नंबर वन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द रॉ मटेरियल। नंबर टू बेंडिंग द मटेरियल इन द करेक्ट प्रोपोर्शंस। रॉ मटेरियल को हमने मिक्स करना है और उनकी प्रोपोर्शन करेक्ट फॉर्म में हो, कम्बिनेशन मीन जो रेशियो हो उसको हम मेंटेन करते हैं। और नेक्स्ट जो है वह बर्निंग द प्रिपेयर्ड मिक्सचर इन अ किल्न भट्टी, मीन उनका जो सीमेंट इंडस्ट्री जो है किल्न उसके अंदर जाके इसको बर्न करते हैं इस मिक्सचर को, और उसके बाद इस किल्न के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्लिंकर कहते हैं, और उस क्लिंकर को हम ग्राइंड करते हैं विद 5% जिप्सम। और नेक्स्ट है इनके प्रोसेसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। देयर आर थ्री प्रोसेसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। नंबर वन वेट प्रोसेस, नंबर टू ड्राई प्रोसेस, एंड नंबर थर्ड वन सेमी ड्राई प्रोसेस। फर्स्ट वी सी वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस क्या है? व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर ग्राउंड वेट, जब इनको हम ग्राइंड करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ग्राउंड वेट, इनको जब ग्राइंड कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल की, हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, एंड फीड टू द किल्न, और फिर जाके हम इस किल्न में इसको हीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सलरी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसको वाटर की मौजूदगी में ग्राइंड करें और एक सलरी बने, जो है एक मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर होगा सॉलिड का और वाटर का, और इसको केल में सेंड करेंगे, तो ये प्रोसेस फिर वेट प्रोसेस कहलाएगा। और दूसरा प्रोसेस है ड्राई प्रोसेस। व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर ग्राउंड ड्राई इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड फेड एज अ ड्राई पाउडर, और इसी को पाउडर की शक्ल में ही केल में हीट करें। और तीसरा जो है वह है सेमी ड्राई प्रोसेस। व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर ग्राउंड ड्राई, उसको ग्राउंड ड्राई करते हैं, लेकिन जब हम किल्न के अंदर सेंड करते हैं तो उसको सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर्ड नड्यूल्स, मीन उसके साथ वाटर मिक्स करके फिर हम इसको किल्न में
इसका फीड सेंड करेंगे। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑल एक्सेप्ट सॉफ्ट मटेरियल आर फर्स्ट क्रश्ड एंड देन ग्राउंड यूजुअली इन अ रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल आर ट्यूब मिल्स कंटेनिंग स्टील ग्राइंडिंग बॉल्स। हमारे पास अगर सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, हार्ड मटेरियल है, तो उस हार्ड मटेरियल को क्रश करेंगे, ग्राउंड करेंगे और इसको सारा प्रोसेस जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल्स या ट्यूब्स मिल्स के अंदर हम इनको क्रश करेंगे और ग्राइंड करेंगे। दिस ग्राइंडिंग इज डन वेट और ड्राई डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस इन यूज। अब ये वेट होगा जो ग्राइंडिंग करें, वेट करें या ड्राई करें, ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस है हमारा। बट फॉर ड्राई ग्राइंडिंग द रॉ मटेरियल फर्स्ट मे नीड टू बी ड्राइड इन सिलेंड्रिकल रोटरी ड्रायर्स। तो अगर प्रोसेस हमारा ड्राई प्रोसेस है तो फिर ज़रूरी है आप ग्राइंडिंग भी है वो ड्राई ही करें, और ये जो हीटिंग जो ग्राइंडिंग करेंगे रॉ मटेरियल की तो उसको ड्राइड होना ज़रूरी है, और इनको ड्राई करने के लिए वी यूज़ सिलेंड्रिकल रोटरी ड्रायर्स यूज़ करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन बाय विगोरस स्टीरिंग विद वाटर इन वॉश मिल्स। अगर हमारे पास मटेरियल रॉ मटेरियल सॉफ्ट है तो फिर हम इसको विगोरस इसकी स्टीरिंग करते हैं, शेकिंग करते हैं वाटर की मौजूदगी में या वाटर की मदद से इन वॉश मिल्स, प्रोड्यूसिंग अ फाइन सलरी, और रिजल्ट के तौर पर हमें सलरी मिलेगा। और इस सलरी को के अंदर अगर ओवर साइज मटीरियल है उसको हम स्क्रीन आउट करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है ब्लेंडिंग, रॉ मटीरियल की प्रोपोर्शन सेट करना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि अगर हम जो सीमेंट बनाने जा रहे हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन को सेट करना है, और उस कंपोजिशन को सेट करने के लिए इन पैरामीटर को हमें देखना पड़ेगा, और वो एक पैरामीटर है सेलेक्टिव करिंग या एक्सट्रैक्टिंग या माइनिंग। आप जो माइनिंग कर रहे हैं वो किस मेथड से है, कौन सा मेथड है सेलेक्टिव माइनिंग, उनका मीन माइनिंग का प्रोसीजर प्रोसेस मेथड कौन सा है। और इसके अलावा कंट्रोल ऑफ द रॉ मटेरियल फीड टू द क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग प्लांट। अब जब ग्राइंडिंग प्लांट की तरफ हम ले जाते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग प्लांट में जब मटेरियल को ले जाते हैं तो वहाँ इनकी कंपोजिशन को कंट्रोल करना है, देखना है कंट्रोल ऑफ द रॉ मटेरियल फीड, जो रॉ मटेरियल हम फीड जो हम सेंड करें क्रशिंग प्लांट में या ग्राइंडिंग प्लांट में, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैल्केरियस मटेरियल कितना है, आर्जिलेसियस मटेरियल कितना है, उनकी प्रोपोर्शन को देखते हुए फिर हम उसको क्रशिंग और ग्राइंडिंग प्लांट की तरफ ले जाएंगे। इन द ड्राई प्रोसेस मिक्सचर ऑफ रॉ मटेरियल्स आर स्टोर इन सिलोज। रॉ मटेरियल को जो हमने क्रशिंग करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद हमने इसको सिलो के अंदर हमने स्टोर कर लेना है, जो स्टोर फीड स्टोर होता है वहाँ स्टोर कर लेंगे। वेयर मिक्सिंग ऑफ द ड्राई मटेरियल्स इन द सिलोज इज इंश्योर्ड बाय एजिटेशन एंड विगोरस सर्कुलेशन इंड्यूस्ड बाय कंप्रेस्ड एयर। जब हम इस रॉ मटेरियल को सिलोज में ले जाएंगे वहाँ जाकर इनको मिक्स करना है ताकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए रॉ मटेरियल की, कैसे, बाय एजिटेशन या विगोरस सर्कुलेशन इंड्यूस्ड बाय कंप्रेस्ड एयर की मदद से भी हम विगोरस जो है इनकी मिक्सिंग कर सकते हैं, या फिर एजिटेशन के थ्रू इन कंपोनेंट को मिक्सचर को यूनिफॉर्म मिक्स करेंगे। इन द वेट प्रोसेस में सलरी टैंक्स यूज किए जाते हैं, जहां वाटर मिक्स करेंगे रॉ मटेरियल के साथ तो हमें मड टाइप मिक्सचर मिलेगा, यानी कि वाटर का
और जो रॉ मटेरियल है उसका एक मिक्सचर मिलेगा, तो उसको हम सलरी रॉ मटेरियल में मिक्स करेंगे, सलरी टैंक के अंदर सलरी को प्रिपेयर करेंगे। द सलरी टैंक्स आर स्टीर्ड बाय मैकेनिकल मींस आर कंप्रेस्ड एयर आर बोथ। अब इन्हीं सलरी टैंक को हमने स्टीर करना है, किसकी मदद से कर सकते हैं, मैकेनिकल मीन से बाय शेकिंग, या फिर कंप्रेस्ड एयर इसमें से सेंड करने के बाद एयर कम प्रेशर के अंडर प्रेशर हम जब सर्कुलेट करेंगे तो इस तरह हम मिक्स कर सकते हैं, या फिर दोनों प्रोसेस यूज कर सकते हैं। दिस सलरी विच कंटेन 35-45% वाटर, इस सलरी के अंदर जो है वाटर है वो 35 to 45% होता है। सो ये ज़रूरी है कि इस वाटर की इतनी अमाउंट को हम कम करें, मज़ीद जितना कम कर सकते हैं, ताकि हमारे जो फ्यूल कंजम्पशन है उसको मिनिमम किया जा सके। तो इसको मज़ीद जो वाटर कंटेंट है इसको हम रिड्यूस करते हैं और ले आते हैं अप टू 20-30%। और इस तरह जो हमें फिल्टर केक मिलता है इस देन फीड टू द किल्न। अब आफ्टर फिल्ट्रेशन जो हमें एक सेमी हार्ड मटेरियल जो मिलेगा जिसको हम फिल्टर केक बोलते हैं, इसको हम अब किल्न में जो इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री की किल्न है जो मेन वहाँ जहाँ रिएक्शन होने हैं, जहाँ हमने बर्न करना है, उधर इसको हम सेंड करेंगे। दिस रिड्यूसेज द फ्यूल कंजम्पशन फॉर बर्निंग। ये जो हमने वाटर का लेवल जो कम किया 35-45 से हम ले आए 20-30%, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें फ्यूल कंजम्पशन जो है वो उसकी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है बर्निंग स्टेप। बर्निंग स्टेप किल्न के अंदर होना है, और इसको हम देखते हैं कि इसकी टेम्परेचर रेंज और यहाँ क्या क्या प्रोसेस होंगे। The earliest kilns in which cement was burned in batches were both bottle kilns, followed by chamber kilns and then by continuous shaft kilns. यानी कि kilns की मुख्तलिफ टाइप्स बताई गई हैं यहाँ। शुरू में जो है हम bottle kilns यूज़ करते थे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की हम जो रॉ मटीरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ बैचेस थोड़ा थोड़ा अमाउंट की शक्ल में इसमें सेंड करते हैं, और इसके बाद चैम्बर किल्न ने ले लिया, और इसके बाद कंटिन्यूस शाफ्ट किल्न्स इनकी टाइप्स है। द शाफ्ट किल्न इन अ मॉडर्नाइज्ड फॉर्म इज स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज, बट द डोमिनेंट मींस ऑफ द बर्निंग इज द रोटरी किल्न। और सबसे जो सुपीरियर है किल्न वो है रोटरी किल्न। दीज किल्न्स अप टू 200 मीटर्स लॉन्ग, इनकी जो लेंथ होती है 200 मीटर लॉन्ग, और इसका जो डाया होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर जो होता है इसका डायमीटर होता है, इन वेट प्रोसेस प्लांट। यानी कि जब हम सीमेंट को वेट प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर जो किल्न यूज़ करते हैं उसकी जो लेंथ है वो है 200 मीटर लेंथ है उसकी, और उस किल्न का जो डाया है वो 6 मीटर है। बट अगर ड्राई प्रोसेस यूज करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, देन दिस इज द शाल्टर, जो ये फिर किल्न जो है ये शाल्ट टाइप होगी, लेंथी नहीं होगी जिस तरह वेट प्रोसेस में यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ एक्चुअली ये जो किल्न है ये क्या चीज है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील सिलेंड्रिकल शेल लाइंड विद रिफ्रैक्टरी मटीरियल्स। इस किल्न के अंदर सिलेंड्रिकल शेल होते हैं स्टील के, और हम उसके साथ और मटेरियल होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो एक्चुअली इसका काम ये होता है कि जो हीट जाती है, जो आग जाती है, इसको दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड दी मटेरियल्स, उस रॉ मटेरियल्स को मजीद ज़्यादा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस मीन प्रोवाइड करते हैं। दे रोटेट स्लोली ऑन एक्सिस That is inclined a few degree to the horizontal. अब ये जो सीमेंट का जो किल्न होता है एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, और इसकी जो अलाइनमेंट बताई गई है कि इसको कैसे करते हैं, जो है इसका जो है ना वो थोड़ा सा मीन जो आप अगर ज़मीन के ऊपर एक सिलेंडर पड़ा हो,
इसको थोड़ा सा उठा दें, ठीक है, यानी कि इस लेवल में हो, ये इस तरह लेवल में। अभी हम देखेंगे इसकी शेप, ये अभी देख लेते हैं शेप, ये हमारे पास रोटरी केल्न है, ये थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल नहीं पड़ा बल्कि ये इनक्लाइंड फॉर्म में है, जमीन से एंगल बना रहे हैं। और यहाँ से रॉ मटेरियल को सेंड करते हैं इस एंड से, और इसको बोलते हैं बैक एंड ऑफ द किल, इसे रॉ मटेरियल सेंड करें, और ये हेड एंड ऑफ द किल है, इसे जो है वो हम एयर सेंड कर रहे हैं, और कोल पाउडर मीन जो हमारे पास बर्निंग मटेरियल है वो सेंड कर रहे हैं। ये जाकर अंदर मटेरियल्स को बर्न करेंगे, हीट देंगे, और यहाँ टेम्परेचर जो है बर्निंग की इसको जून कहते हैं, और जब ये रॉ मटेरियल इधर आएगा और यहाँ रिएक्शन होगा, रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, यहाँ प्रोडक्ट इधर से आ रहे हैं, रिएक्टेंट आ रहे हैं, और नीचे से आग जा रही है और ऊपर से रॉ मटेरियल आ रहे हैं, ताकि इनका कंटेक्ट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हो। और इस सिलेंडर के अंदर जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के साथ वो जो मटेरियल है वो आग को बार बार इस सीमेंट मटेरियल की तरफ सेंड करेगा, ताकि ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर हो। तो ये मुख्तलिफ जून्स हैं, ये जो है रॉ मटेरियल आएगा, ये जो जून है ये है ड्राइंग जून इसको बोलते हैं, और फिर इसके बाद प्री हीटिंग जून है, फिर डिकम्पोजेट या डिकम्पोजिशन जून है, यहाँ रॉ मटेरियल डिकम्पोज होगा और यहाँ रिएक्शन होंगे और हीट प्रोड्यूस होगी, और यहाँ और मजीद बर्निंग होगी, इधर से हीट आ रही है ज़्यादा और बर्निंग होगी, और इसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट जो जून है ये कूलिंग जून है। और ये जो जहन में रखिएगा जो हीट दे रहे हैं, ये हीट ऐसे लगता है कि ये यहाँ से गुजर के जा रही होगी, और ये बर्निंग से पहले ये, और फिर ये कूलिंग जोन कैसे आ गया, एक्चुअली ये आग जो है ना इस तरह एडजस्ट करते हैं, ये जाके इधर ही ओपन होती है इस जोन के अंदर, और ये कूलिंग जोन है, और इस तरह जो हमें मटेरियल आ रहा है वो यहाँ कूल डाउन होगा, और इन द फॉर्म ऑफ क्लिंकर ग्रेन्यूल्स की शक्ल में ये हमें मिलेगा, और फिर हम इसको जाके ग्राइंडिंग पर्पज में से इसके जिप्सम के साथ मिक्स करके सीमेंट का पाउडर बनाएंगे और उसको मार्केट में सेंड कर देंगे आफ्टर बैगिंग। जी, इस हम बात कर रहे थे जो मैंने अभी आपको इसके शो किया कि ये किल्न होता कैसे है, रोटरी किल्न। द रॉ मटीरियल फीड इंट्रोड्यूस एट द अपर एंड मूव स्लोली डाउन द किल्न, ये किल्न के डाउन की तरफ मूव करेगा, और हमने इसको सेंड किया अपर एंड से, जिसको हमने नाम किया दिया अपर एंड, और द किल्न टू द ये मूव करेगा अपर एंड से लोअर एंड की तरफ, यानी कि जो लेवल हमने बनाया इधर से ये सेंड किया और ये डाउन की तरफ मूव करेगा। फायरिंग, जिसको हम जून बोलते हैं, लोअर एंड जो है वो फायरिंग एंड है। द फ्यूल फॉर फायरिंग मे बी क्रश्ड कोल हो सकता है, जो फायरिंग के लिए मीन जो फ्यूल जो है सीमेंट इंडस्ट्री में जो यूज़ कर रहे हैं हीट अप के लिए, बर्न के लिए, वो क्रश्ड कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है, इंजेक्टेड थ्रू पाइप की मदद से इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर एट द फायरिंग एंड रेंजेस फ्राम अबाउट 1350 टू 1550 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर की रेंज है, डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल बीइंग बर्न, जो रॉ मटेरियल हम बर्न कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा टेम्परेचर हमें देगा। सम फॉर्म ऑफ हीट एक्सचेंजर इज कॉमनली इनकॉर्पोरेटेड एट द बैक एंड ऑफ द किल टू इनक्रीज हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर टू द इनकमिंग रॉ मटीरियल्स एंड सो रिड्यूस द हीट लॉस्ट इन द वेस्ट पर वेस्ट गैसेस। अब क्या होगा, इसकी जो बात ये इस पैरे में जो बात की है वो ये है कि अब जो है मटीरियल आ रहा है हीट अप होके, यहाँ क्लिंकर बन गया, क्लिंकर बनने के बाद इसके बाद इसको हमने निकाला और हीट ग्राइंड कर देना है, लेकिन क्लिंकर की इतनी हीट होती है, इतनी एनर्जी होती है, तो इस एनर्जी को अगर हम बाहर ले लें तो ये ज़ाय हो जाएगी और वो गैसेस में एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, तो ज़रूरी है इसको हम यहाँ कूल डाउन करें। तो यहाँ हीट एक्सचेंजर लगा होगा और हीट एक्सचेंजर
वो क्या करेगा, इस हीट को ले जाएगा और उस हीट को फर्दर हम यूज कर सकते हैं। द बर्न्ड प्रोडक्ट इमर्जेस फ्रॉम द किल एज अ स्मॉल नेड्यूल्स, और उसको नाम देते हैं हम क्लिंकर का, क्लिंकर की शक्ल में ही हमें मटेरियल मिलेगा। दे पास इनटू कूलर्स, उसको कूलर में से पास करते हैं, वेयर हीट इज ट्रांसफर टू इनकमिंग एयर एंड द प्रोडक्ट कूल्ड। द क्लिंकर में बी इमीडिएटली ग्राउंड टू सीमेंट और स्टोर इन स्टॉक पाइल्स फॉर लेटर यूज। अब क्लिंकर को या तो स्टोर कर लें या फिर इसको हम सीमेंट प्लांट में जहाँ ग्राइंड पोर्शन है वहां ले जाएं और इसको ग्राइंड करें। इन द सेमी ड्राई प्रोसेस द रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ नेड्यूल्स कंटेनिंग 10-15% वाटर। इनके अंदर जब सेमी अगर ड्राई प्रोसेस है तो इसके अंदर पानी कितना मौजूद है, 10-15%। आर फीड ऑन टू अ ट्रेवलिंग चेन ग्रेट बिफोर पासिंग टू द शॉर्टर रोटरी किल। जब हमारे पास किल है ना, ये किल, तो जो रॉ मटेरियल आ रहा होता है, ये जो रॉ मटेरियल ऐसे नहीं है कि ये हम इसको ऐसे सेंड कर दिए, ये एक्चुअली इस प्लांट के अंदर चेन होता है, एक चेन मूव कर रहा होता है, उस चेन की मदद से ही ये रॉ मटेरियल आ रहा होता है और यहाँ आकर एंटर हो जाता है। तो अगर सेमी ड्राई प्रोसेस है हमारे पास तो फिर क्या होगा, उस रॉ मटेरियल के अंदर 10-50% वाटर होगा और फिर हम आकर उसको जो उसका जो रोटरी किल्न होगा उसके अंदर इसको फीड करवाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है बर्निंग स्टेप। डस्ट इमिशन फ्रॉम सीमेंट किल्न्स कैन बी अ सीरियस ट्रबल, या सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। तो ज़रूरी है इन गैसेस को हम प्योरीफाई करें, जब हम एनवायरनमेंट में सेंड करें उससे पहले इसको प्योरीफाई करें। इन पॉपुलेटेड एरियाज इट इज यूजुअल एंड ऑफन कंपल्सरी टू फिट साइक्लोन अरेस्टर्स, बैग फिल्टर सिस्टम्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रेसिपिटेटर्स बिटवीन द किल एग्जिट एंड द चिमनी स्टॉक। तो ये हम यूज करते हैं अपना, ये जो किल से जो गैसेस इवॉल्व होंगी और उसके बाद चिमनी से पास होना है या इधर से, तो चिमनी और इन किल के दरमियान ये चीज़ें एडजस्ट करते हैं। साइक्लोन अरेस्टर होते हैं या बैग फिल्टर सिस्टम होते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रेसिपिटेटर होते हैं, ये जाकर उन गैसेस की प्योरीफाई करते हैं और जो डेंजरस मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह जो गैस एग्जिट होंगी वो जो है ना उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मिनिमम होंगे। मोर देन 50% ऑफ द इमिशन फ्रॉम सीमेंट प्रोडक्शन आर इंट्रिंसिकली लिंक टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लिंकर वेयर केमिकल रिएक्शन। इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि जो हमारे पास इमिशन आ रही हैं जिसके जो इसके अंदर वो जो सीरियस उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएटेड मटेरियल्स हैं, डेंजरस मटेरियल्स हैं, तो ये ओवरऑल जितने भी जो इमिशंस प्रोड्यूस हो रही हैं 50% जो हैं इमिशंस हैं वो कहाँ हो रही हैं, क्लिंकर की प्रोडक्शन में, क्लिंकर की प्रोडक्शन में जो है ना इमिशन प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज हेयर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मॉडर्न सीमेंट प्लांट्स आर इक्विप्ड विद एलेबोरेट इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर कंट्रोल ऑफ द बर्निंग प्रोसेसेस। रॉ मटेरियल्स इन सम प्लांट्स आर सैंपल्ड ऑटोमेटिकली एंड अ कंप्यूटर कैलकुलेटर कैलकुलेट्स एंड कंट्रोल द रॉ मिक्सचर कंपोजिशन। यानी कि आजकल जो मॉडर्न प्लांट हैं उनके अंदर ये सहूलियत मौजूद है, इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू रॉ मटेरियल की कम्बिनेशन को कंट्रोल करते हैं। द लार्जेस्ट रोटरी किल्न हैव आउटपुट्स एक्सीडिंग 5,000 टन्स पर डे। तो ये जो लार्जेस्ट जो रोटरी किल्न है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लिंकर, वो राउंड अबाउट 5,000 टन्स पर डे ये क्लिंकर प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर हम उसको सीमेंट के साथ जिप्सम के साथ मिक्स करके सीमेंट बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि पर डे जो है कोई जो जहां लार्जेस्ट जिन सीमेंट इंडस्ट्री में लार्जेस्ट रोटरी किल मौजूद हैं तो वो सीमेंट की प्रोडक्शन 5,000 टन जो है पर डे उनकी है।
इसके बाद आप ये क्लिंकर आ गया, इसको ले जाएंगे ग्राइंडिंग चैम्बर की तरफ जहां हमने जिप्सम मिक्स करना है। द क्लिंकर एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जिप्सम आर ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर इन हॉरिजॉन्टल मिल्स सिमिलर टू दोज फॉर ग्राइंडिंग द रॉ मटेरियल। इसको भी हम मिल्स के अंदर ग्राइंड करते हैं। ये इस तर्ज की है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, कहीं कहीं वर्टिकल भी यूज करते हैं। तो इनके अंदर इसको जिप्सम के साथ क्लिंकर सेंड करते हैं और इसको मिक्स ग्राइंड करते हैं। द मटेरियल मे पास स्ट्रेट थ्रू द मिल, अगर मटेरियल को पास करें और एट द एंड हमें प्रोडक्ट मिल रहा है फाइन पाउडर, तो एक ही मीन यहां से पास किया और यहां से हमें इसका प्रोडक्ट मिला, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट ग्राइंडिंग। और अगर ऐसा मटेरियल भी हो सकता है कि ग्राइंड पाउडर में हमें अभी फाइन पाउडर नहीं मिला, इसमें कोर्सर मटेरियल अभी मौजूद है, तो उनको भी फिर हम सेपरेट करके फिर मजीद ग्राउंड करते हैं और रिटर्न टू द मिल फॉर फर्दर ग्राइंडिंग। और अगर इस तरह है तो फिर इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट ग्राइंडिंग, यानी कि सेपरेटर सेपरेट भी करके और उसको भी फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देगा। समटाइम्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्राइंडिंग एडेड इज आल्सो एडेड टू द फीड मटेरियल, यानी कुछ ऐसे मटेरियल भी ऐड करते हैं जो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ एक पोर्टलैंड सीमेंट की टाइप है एयर इंट्रेंड पोर्टलैंड सीमेंट। एक्चुअली ये जो सीमेंट है दिस इज अ स्पेशल सीमेंट विच है द एयर बबल्स, इस सीमेंट के अंदर एयर बबल्स मौजूद होते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन द सीमेंट या और कंक्रीट, इस कंक्रीट या क्लिंकर के अंदर ये जब एयर बबल्स होते हैं इसका फायदा क्या होता है ये सीमेंट के अंदर, दैट प्रोवाइड द स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ द मिन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स इन द कंक्रीट ड्यू टू द फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रैक्स एंड डैमेज ऑफ द कंक्रीट। सीमेंट में यानी कि जहाँ जो नमी वाले एरिया हैं वहाँ जो उनकी जब हम सीमेंट यूज़ करते हैं तो उन सीमेंट वहाँ ऐसी सीमेंट यूज़ करते हैं जिसके अंदर एयर बबल्स, और एयर बबल्स जब हम उसको कास्ट करेंगे तो ये भी होता है जब उस इलाके की नमी जो है मॉइस्चर ज़्यादा होती है तो वो मॉइस्चर जो है ना इन जो स्पेस है उनके अंदर इंटर हो जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, और वो जब वाटर मॉलिक्यूल्स को आप जानते हैं जब हम जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो फ्रीज होते हैं, फ्रीजिंग होने से उनका साइज़ बढ़ता है, तो जब साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगा सीमेंट जो है ना वो क्रैक हो जाएगी। तो उस क्रैकिंग से बचाने के लिए ऑलरेडी उस सीमेंट के अंदर एयर बबल्स मौजूद हैं, और जैसे ये वाटर जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स वो उनको इतनी स्पेस मिलेगी कि अगर वो फ्रीजिंग के दौरान उनका साइज एक्सपेंड भी करता है तो वो सीमेंट को क्रैक नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह हमें जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज से बच जाएंगे। तो ये ग्राइंडिंग हमने की क्लिंकर की और जिप्सम की, तो हमें मिला फाइन पाउडर। फिनिश्ड सीमेंट इज पम्प्ड न्यूमेटिकली, यानी मीन एयर प्रेशर की मदद से उसको हम सेंड करते हैं टू स्टोर सीलोज के अंदर, और फिर उसको पैकिंग मटेरियल में ले जाते हैं पैकिंग चैम्बर में पैकिंग यूनिट में, वहाँ जिसकी पैकिंग करते हैं पेपर बैग्स के अंदर, और फिर इस तरह उसको डिस्पैच करते हैं मुख्तलिफ मार्केट के लिए उसको सेंड कर देते हैं। ये है सीमेंट इंडस्ट्री की ओवरऑल फ्लोशीट डायग्राम। ये हमारे पास क्ले मटेरियल है मीन आर्जिलेसियस मटेरियल है और ये कैलकेरियस मटेरियल है, इनको मिक्स करते हैं रॉ मिल के अंदर, इसके अंदर मिक्स करेंगे इसका मिक्सचर जो है इसको हम स्टोर कर लेते हैं रॉ मिल सिलो इसको बोलते हैं, और फिर इसको अगर इसके अंदर ही कंटेंट है वाटर कंटेंट है इनको रिमूव करते हैं सस्पेंशन प्री हीटर के अंदर, और फिर हम इसको ले जाते हैं रोटरी केल्न के अंदर। तो ये रोटरी केल्न है, इसमें जहाँ जो अभी हमने देखा था उसकी पिक्चर एक लॉन्ग जो 200 मीटर हमने कहा जी लेंथ होती है और 6 मीटर जो इसका डाया होता है, तो इसके अंदर इसको अब हीट करेंगे और यहाँ से फिर क्लिंकर मिलेगा और क्लिंकर का ये स्टोर है, स्टोर करेंगे और इसके बाद सीमेंट बनाने के लिए इन क्लिंकर को
और जिप्सम अपना यहाँ जिप्सम को मिक्स करेंगे 5% जिप्सम और यहाँ इसको ग्राइंडिंग सीमेंट मिल में ले जाएंगे, ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद हमें पाउडर मिलेगा सीमेंट का और इसको हम फिर स्टोर कर लें या फिर हम मार्केट की तरफ बैग के अंदर पैक करके डिस्पैच कर दें। और ओवरऑल हम एप्लीकेशन देख लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। आप जानते ही हैं कि बहुत बहुत ही एप्लीकेशंस हैं सीमेंट इंडस्ट्री की, सीमेंट प्रोडक्शन में। तो इसकी मेजर जो एप्लीकेशन है कि वो ये है कि टू प्रिपेयर सीमेंट मोर्टर, मुख्तलिफ मॉडल जो है सीमेंट के हम बनाते हैं, टू प्रिपेयर सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं, पुल ब्रिजेस वगैरह कंस्ट्रक्शन, टू बिल्ड फायर प्रूफ एंड थर्मल प्रूफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, टू बिल्ड हाइड्रोग्राफिक एंड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। इनके साथ बता दिया गया हाइड्रोग्राफिक मटेरियल्स क्या होते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो है इसकी बिल्ड केमिकल प्रूफ स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, जो केमिकल प्रूफ स्ट्रक्चर्स हों। और इसी तरह एज अ ग्रोट या सीमेंट मटेरियल्स मुख्तलिफ किस्म के सीमेंट मटेरियल्स बनाते हैं, एंड कंस्ट्रक्ट सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाने में, टफ टाइल जी बना रहे हैं जी आजकल जी, ये सीमेंट से ही, सीमेंट की प्रोडक्ट है। टू मैन्युफैक्चर प्रीकास्ट या मोल्डेड मेंबर्स मुख्तलिफ, आप कहते हैं जी मुख्तलिफ सियासी पार्टी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना के ले जाते हैं जी सीमेंट की प्रोडक्ट, कोई शेर बना रहा है जी, कोई गीदड़ बना रहा है जी, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, तो ये सीमेंट प्रोडक्ट जो है बनाया जा रहा है। और इसी तरह और नेक्स्ट जो है फॉर एस्थेटिक या ब्यूटीफुल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाते हैं। तो ये ओवरऑल हमने एक सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड देखा। अभी भी इसमें कुछ काफ़ी डिटेल बाकी है जिसमें हम टाइप्स ऑफ सीमेंट्स कह सकते हैं और इसी तरह सेटिंग ऑफ सीमेंट में क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट भी है और आपने इसको अपने नोट्स में ऐड भी करना है कि एक्सप्लेन द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑफ सीमेंट। थैंक यू।